दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किरात ऑर्गेनिक में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे पपीते में लगने वाली एक बीमारी जिसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। यह बीमारी एक फंगस के कारण से लगती है और हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि आप इसका कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे इसको अपने पौधों में आने से रोक सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले आपको बताएंगे इसका कोज यानी कि कारण, किन कारणों से ये बीमारी आपके पौधों में लग सकती है। दूसरा हम बताएंगे इसके सिम्टम यानी कि जो लक्षण होंगे वो आपको बताएंगे। और तीसरा हम आपको बताएंगे प्रिवेंशन यानी कि उपचार यानी कि रोकथाम आप इसकी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहले जानते हैं हम कारण, किन कारण की वजह से ये जो बीमारी है हमारे पौधों में लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बीमारी है ये एक फंगस होती है जिसका नाम होता है ओडियम कैरिके। इसके बढ़ जाने की वजह से ये बीमारी हमारे पौधों में फैलती है। और अगर आपका एरिया कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्द्रता यानी कि नमी, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नमी है, वहाँ पे आपको ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ जैसे अभी बरसात का मौसम गया है तो अभी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नमी है तो अभी ये आपको बीमारी देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो दूसरा कारण हो सकता है इसका कि अगर आप रूटीन में अपने पौधों पर एंटी फंगस का स्प्रे नहीं कर रहे हैं तब भी ये बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं लक्षण की यानी कि सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे कि आपके पौधे पर आपको सफ़ेद परत देखने को मिलेगी, वाइट कलर की जो परत है वो आपको देखने को मिलेगी पत्तों पर। और आपको ये परत सेम आपको अपने फलों पर भी देखने को मिल सकती है अगर आपका पौधा शूटिंग पे आ रहा है। दूसरा इसका जो इसका लक्षण है वो ये है कि आपको पत्ते के बाहरी किनारों पर ऐसा लगेगा जैसे पाउडर डला हुआ है, मतलब आप अगर उसको टच करके अपनी उंगली से देखेंगे तो आपको पाउडर जैसा फील होगा। तीसरा जो इसका सिम्टम है वो ये है कि अगर आपके पौधे पर फल लगे हुए हैं तो जो फल हैं वो साइज में बड़े नहीं होंगे और टेढ़े मेढ़े होंगे, मतलब अच्छी शेप में नहीं होंगे। और तीसरा जो इसका सिम्टम है दोस्तों वो ये है कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आपको लगेगा कि दूसरे पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन ये पर्टिकुलर पौधा मेरा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ये इसके लक्षण है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में कि ये अगर बीमारी आपके खेत में आ चुकी है तो आप क्या उपचार कर सकते हैं। पहले मैं आपको सावधानियां बता दूं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके खेत में ये बीमारी लग चुकी है तो जो भी लीफ या जो भी पत्ता आपको लग रहा है कि इस बीमारी से प्रभावित है उस पत्ते को आप काट के और खेत से दूर कहीं पर मिट्टी में दबा दें। सेम चीज़ आपको फल के साथ करनी है, अगर आपको लग रहा है कि इस फल पर ये बीमारी आ चुकी है तो उस फल को भी तोड़ के नष्ट कर दें। और ध्यान रहे दोस्तों आप अपने खेत में एंटी फंगस का स्प्रे रूटीन में करते रहें, एक महीने में कम से कम एक बार तो आप अपने खेत में एंटी फंगस का स्प्रे करें। फिर भी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपके खेत में बीमारी है तो जो मैं आपको 4-5 दवाइयाँ बताऊँगा उन दवाई में से किसी एक को ले कर आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। और यह स्प्रे आपको तब तक करना है जब तक वो बीमारी आपके खेत से चली ना जाए। और ये स्प्रे आपको हर 15 दिन में रिपीट करना है। दवाई मैं आपको बता रहा हूँ और नीचे दवाई आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दोस्तों पहली दवाई जो है वो है कांटेफ प्लस, इसकी मात्रा आपको लेनी है 2 ml पर लीटर ऑफ पानी। दोस्तों दूसरी जो दवाई है वो है सिस्टेन, इसकी मात्रा आपको रखनी है 1 ml 1 लीटर पानी में। दोस्तों तीसरी दवाई जो आप ले सकते हैं वो है एर्गोन 11.3% SC, इसकी मात्रा आपको रखनी है 1 ml 1 लीटर पानी में। दोस्तों चौथी दवाई जो आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं डस्टिंग सल्फर, जो इसकी मात्रा रहेगी वो रहेगी 30 ग्राम 10 लीटर पानी में। दोस्तों पांचवी दवाई जो आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं कैलिक्सीन 7.5 EC, इसकी मात्रा रहेगी 5 ml 10 लीटर पानी में। दोस्तों ये जो मैंने आपको 5 दवाई बताई हैं ये 5 की 5 दवाई आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन 5 दवाइयों को आपको अपने खेत में हर 15 दिन के अंतराल पर तब तक स्प्रे करना है जब तक पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी आपके खेत से चली ना जाए।
दोस्तों, अगर आपके फल में फल सड़ने की समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, हम आपको वहीं मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।